Hey girls! मैं हूं दीपिका शर्मा एंड वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा सारा कलेक्शन है ना वो एमेजोन से है और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई फेस्टिव 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 कुर्ता सेट्स विद हॉल हॉल तो तो ऑफ कोर्स सीजन चल रहा है यार तो वियर हौल ही हो एंड बहुत ही एलिगेंट से बहुत ही प्यारे से कुर्ता सेट्स तो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना एंड आई होप आज का ये कलेक्शन आज का ये वीडियो आपको पसंद आया आप इंजॉय करो और जो ड्रेस मैंने वियर करके रखी है ना ये भी एक फेस्टिव ड्रेस है हाल ही में मैंने इसका हॉल किया था तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और स्ट्रेस का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाए तो बिना देर करे स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही एलिगेंसी ड्रेस के साथ में पिंक कलर की ये ड्रेस है एंड ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ए लाइन करता मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है यहाँ में ना आपको फ्रंट पे वी नेक देखने के लिए मिलेगा और बैक पे आपको राउंड नेक देखने के लिए मिलेगा इसके नेक पे ना आपको इतना खूबसूरत सा वर्क देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको एम्ब्रॉयडरी का सिक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज्यादा प्यारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है मैं आपको पास से दिखाती हूँ बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे वर्क किया गया है छोटे छोटी सी बूटी भी यहाँ पे आसपास में बना रखी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कुर्ते को काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही है और काफी ज्यादा हैवी सा लुक दे रही है पूरे कुर्ते को स्लीव्स यहाँ पे आपको थ्री फोर स्लीव्स मिलने वाली है और यहाँ पे भी ना आपको एक सिल्वर कलर की पत्ती की लेस देखने के लिए मिल जाएगी ए लाइन कुर्ता है ये पर आपको इसके दोनों साइड में ना स्लीट देखने के लिए मिलेगी दोनों ही साइड में यहाँ पे स्लीट लगा रखी है ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है बैक साइड से आपको एकदम प्लेन और सिंपल देखने के लिए मिल जाएगा लेंथ की अगर इसकी बात करें ना तो इसकी लेंथ जो है मेरे काफ लेंथ तक रहेगी। है अगर इसके मटेरियल की बात करें ना तो मटेरियल इसका सिल्क है और अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसके आई थिंक एट सेवेंटी नाइन रुपीज है तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है यार बहुत ही ईजिली आप इसे अफोर्ड कर सकते हो एट सेवेंटी नाइन में आपको बहुत ही प्यारा से एक फेस्टिव वियर कुर्ता सेट मिल रहा है बाकी फ्रंट से ये आपको एकदम प्लेन मिलने वाला है और बैक साइड से भी आपको एकदम ये प्लेन मिलने वाला है बाकी इसका फेट इसकी लेंथ इसका लुक आपको सारा ट्राइवन में क्लियर हो जाएगा इसके बॉटम में जो मुझे है ना स्ट्रेट पेंट रिसीव हुआ है हाफ इलास्टिक है बैक साइड में आपको इलास्टिक देखने के लिए मिलेगा और फ्रंट साइड में आपको बेल्ट देखने के लिए मिलेगा ये भी सेम ही मटेरियल का है और सेम ही कलर का है स्ट्रेट पैंट है पर इसका जो फ्लेयर है ना काफी अच्छा

पर इस दुपट्टे के चारों तरफ ना आपको टेजस देखने के लिए मिल जाएंगे प्यारे से खूबसूरत से टेरस लगा रखे हैं आपको दुपट्टे के चारों ही तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा एंड बहुत ही लाइट वेट सा दुपट्टा है इजीली इस आप इसे कैरी कर सकते हो एंड ये कुर्ता सेट वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत जैसे कि आप देख पा रहे हो ना काफी प्यारा सा कुर्ता सेट लग रहा है इस फेस्टिव सीजन में आप ये वाला कुर्ता सेट जरूर ट्राई कर सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत है एंड इसमें ना दो कलर ऑप्शंस और अवेलेबल है तो वो भी बहुत प्यारे से खूबसूरत से कलर है तो आप चाहो तो आप वो वाले कलर भी ट्राई कर सकते हो तो अगर ये कुर्ता सेट आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो so, जो हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना वो पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत एक स्ट्रेट कुर्ता सेट है इसमें ना दो कलर ऑप्शन और अवेलेबल हैं तो आप चाहो तो आप वो भी कलर ट्राई कर सकते हो बाकी ये भी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर है इसमें आपको फ्रंट साइड में ना स्वीट हार्ट नेक देखने के लिए मिलेगा और इसके नेक पे ना आपको बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सिक्वेंस का भी यहाँ पे यूज किया गया मैं आपको पास से दिखाती हूँ काफी खूबसूरत से काफी खूबसूरत सा वर्क यहाँ पे कर रखा है जो की नेक को ना काफी ज्यादा स्टाइलिश बना रहा है यहाँ पे आपको थ्री फोर्थ स्लीव देखने के के लिए मिल जाएगी और स्लिप पे भी आपको एक गोटा पत्ती की लेस देखने के लिए स्ट्रेट कुर्ता है लेंथ इसकी मेरे काफ लेंथ तक रह रही है ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है बैक साइड से आपको एकदम प्लेन और सिंपल मिलने वाला है इसमें ना अस्तर भी दे रखा है हाफ अस्तर मिलने वाला है आपको यहाँ पर पर ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है इसका जो मटेरियल है ना सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इसका चंदेरी सिल्क है चंदेरी सिल्क में आपको ये कुर्ता सेट मिलने वाला है और बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है काफी एलिगेंट से लग रहा है वेयर करने में बाकी इसका लुक वगैरह सब आपको ड्राइवर में क्लियर हो जाएगा एंड ना आप इसे ईजिली घर पर हैंड वॉश कर सकते हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको ड्राई क्लीन वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा बॉटम में इसके मुझे स्ट्रेट पेंट रिसीव हुआ है बैक साइड में आपको इलास्टिक देखने के लिए मिलेगा और इसके फ्रंट साइड में ना बेल्ट लगा रखा है तो आपको हाफ इलास्टिक पे हाँ मिलने वाला है स्ट्रेट पेंट है लेंथ लेंथ इसकी मेरे काफ तक रही है और इसके बॉटम में आकर ना आपको यहाँ पे एक छोटा पत्ते की लेस देखने के लिए मिल जाए इसकी पेंट भी ना काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है और पेंट का जो मटेरियल है ना वो भी चंदेरी सिल्क ही है एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है काफी कंफर्टेबल है वियर करने में इसका जो दुपट्टा है ना दुपट्टा काफी ज्यादा प्यारा है जैसा कि आप देखें लेंथ में आपको ये दुपट्टा मिलने वाला है इसके चारों तरफ ना आपको कुछ खूबसूरत से टेरल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको दुपट्टे के चारों तरफ कॉर्नर पे देखने के लिए मिलेंगे और दोनों साइड ना दुपट्टे के आपको एक बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा जरी का बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट किया गया जो आपको दुपट्टे के दोनों साइड देखने के लिए मिल जाएगा और इस पूरे दुपट्टे में बीच बीच में भी आपको जरे की बूटी देखने के लिए मिलेगी छोटी छोटी सी बूटी जो पूरे ही दुपट्टे में लगा रखी है और उसके साथ भी ना आपको प्रिंट भी देखने के लिए मिल जाएगा फ्लोरल का प्रिंट यहाँ पे क्रिएट किया गया जो ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है दुपट्टा काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो नहीं बहुत ही प्यारा सा एन खूबसूरत बहुत ज्यादा हैवी नहीं है एलिगेंट सा पे, पे, तो हाईली रिकमेंड करूंगी ये वाला कुर्ता सेट ना तो ये एक अनारकली सूट है न, कलर में मुझे ये सूट रिसीव हुआ है एंड ये काफी ज्यादा खूबसूरत है एंड इसमें एक कलर और अवेलेबल है एंड वो भी काफी प्यारा सा कलर है यहाँ पे ना आपको राउंड नेक देखने के लिए मिलेगा उसके साथ मैंने कट दे रखा है जिसपे दो डोरी लगा रखी है उसपे काफी प्यारे से आपको टेडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे पिंक कलर के स्लीव्स आपको थ्री फोर्थ स्लीव्स मिलेगी पर यहाँ पे ना आपको कुछ डिटेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी गोटा गोटापत्ती की लेस की यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी है यहाँ पे एक बॉर्डर भी क्रिएट कर रखा है छोटा सा तो काफी स्टाइलिश लग रही है इसकी स्लीव्स भी बाकी इस पूरे ही कुर्ते में आपको काफी खूबसूरत सा प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा फ्लोरल का प्रिंट आपको इस कुर्ते में देखने के लिए मिलेगा जो ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसके नेक में भी आपको कुछ डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे चारों तरफ आपको एक गोटा पत्ती की लेस देखने के लिए मिल जाएगी ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है बैक साइड से भी आपको काफी प्यारे से खूबसूरत से प्रिंट देखने के लिए मिलेंगे फ्लोरल के सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा आपको इस कुर्ते में बाकी इसका फ्लेयर आप देखिए काफी प्यारा सा और काफी खूबसूरत सा इसका फ्लेयर दे रखा है अनारकली कुर्ता है और लॉन्ग कुर्ता है इसकी लेंथ मेरे काफ लेंथ तक रेडी है इसके बॉटम में यहाँ पे आके आपको फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे एक फेब्रिक की लेस लगा रखी है और गोटा पत्ती की लेस का यूज करके यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट किया गया और यहाँ पे भी गोटापत्ती की लेस लगा रखी है तो इसका बॉटम ना इसका जो बॉर्डर रेडी किया गया ना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है प्योर कॉटन में आपको ये कुर्ता सेट मिलने वाला है इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन है बाकी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है काफी ज्यादा प्यारा है वियर करने में इसका फिट इसका लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है आप ट्राई ऑन में देख सकते हो इसके बॉटम में मुझे स्ट्रेटमेंट रिसीव हुआ है सेमी इलास्टिक है बैक साइड में आपको इलास्टिक देखने के लिए मिलेगा फ्रंट साइड में आपको बेल्ट मिलेगा पर उसके साथ में आपको डोरी भी मिलने वाली है तो ये भी ना काफी ज्यादा प्यारा है यार इसमें भी ना आपको बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल का प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा छोटी छोटी सी बूटी आपको देखने के लिए मिलेगी फ्लोरल की स्ट्रेट पैंट है पर इसका फ्लेयर काफी अच्छा है और ये वियर करने में भी ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि आपको इसका मटेरियल भी कॉटन ही है इसके साथ में जो दुपट्टा रिसीव हुआ है दुपट्टा भी प्योर कॉटन का है जैसा कि आप देख सकते हो तो बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है दट्टे के दोनों तरफ आपको एक छोटी सी गोटा पत्ती की लेस देखने के लिए मिल जाएगी बाकी दुपट्टे की दोनों तरफ आपको एक ब्रॉड सा बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा जो आपको दुपट्टे के दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाएगा और पूरे पूरे दुपट्टे में ना आपको फ्लोरल का प्रिंट देखने के लिए मिलेगा बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल का प्रिंट आपको पूरे दुपट्टे में देखने के लिए मिल जाएगा और दुपट्टा आपको फुल लेंथ में मिलने वाला है फुल लेंथ में आपको ये दुपट्टा रिसीव होने वाला है प्योर कॉटन का दुपट्टा है तो इसे कैरी करना भी काफी ज्यादा इजी है काफी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो ये भी काफी डिसेंट सा एंड प्यारा सा कुर्ता सेट है इसे समर में भी पूरा दिन वियर करके रख सकते हो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है वियर करने में और कैरी करना भी काफी ज्यादा ईजी है तो गर्ल्स आज का हमारा लास्ट कुर्ता सेट ही पिस्ता कलर का ये कुर्ता सेट मुझे रिसीव हुआ ये भी स्ट्रेट कुर्ता सेट है फ्रंट में ना आपको इसमें वी नेक देखने के लिए मिल जाएगा और काफी खूबसूरत सी आपको लेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी काफी प्यारी काफी खूबसूरत सी लेस यहां पे लगा रखी है जरी का और एम्ब्रोड्री का वर्क किया गया है काफी खूबसूरत लग रही है स्लीव्स यहाँ पे आपको थ्री फोर्थ बेसिक सी सिंपल सी स्लीव्स मिलने वाली है इसका जो मटेरियल है ना ऑर्गेंजा है ऑर्गेंजा में आपको ये पूरा कुर्ता मिलने वाला है और इसके अंदर ना आपको अस्तर मिल जाएगा अस्तर आपको रेयोन का मिलेगा मिक्स का मिक्स का मटेरियल है अस्तर का बाकी जो कुर्ता है ना वो आपको ऑर्गेंजा में मिलने वाला और काफी प्यारा सा ना इसको प्रिंट कर रखा है जैसे

काफी प्यारी सी काफी खूबसूरत सी यहाँ पे लेस लगा रखी है जिसपे जरी का वर्क किया गया है तो कुर्ते को ना काफी ज्यादा स्टाइलिश सा लुक दिया एट्रैक्टिव बनाने का इसको ट्राई किया गया है इसके बॉटम में ना मुझे स्ट्रेट पेंट रिसीव हुआ है पेंट का जो मटेरियल है ना वो रेन है रेयोन में आपको पेंट मिलने वाला सेमी इलास्टिक है बैक साइड में इलास्टिक दे रखा है और फ्रंट साइड में बेल्ट दे रखा है अच्छा इसमें ना आपको पॉकेट भी मिल जाएगी और और पेंट के ना दोनों ही साइड में आपको पॉकेट मिलने वाली है काफी अच्छी सी सी डीप पॉकेट स्ट्रेट है इसकी लेंथ मेरे एंकल लेंथ तक दे रही है एंड ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है वियर करने में इसका फिट भी काफी ज्यादा अच्छा है पिस्ता कलर का ही सेम मुझे इसमें पेंट डिस्सी हुआ और कोई दूसरा कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है आपको एक ही सिंगल कलर में ये मिलने वाला है दुपट्टा इसका जो है ना दुपट्टा भी आपको

इसे आप किसी भी छोटे मोटे ओकेजन पे या इवेंट पर आप इसे वियर कर सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा तो अगर आप ये कुर्ता सेट बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो बस कल्स आज के वीडियो में इतना ही था आई होप आज का ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा लिंक सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दी है ताकि आपको शॉपिंग करने में कोई परेशानी ना हो तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए आगे भी लाती रहूँ तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मैं लेकर आ रही हूँ हर दूसरे दिन एक नया हॉल वीडियो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर